Now, student, we will study about the internal structure of leaf. Leaf consists of main, upper skin, chloroplast, cord cells, stomata. First, we have vein. अब vein जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? Xylem और phloem tissue से. Xylem transport करता है water को, phloem transport करता है food को like sugar को. नेक्स्ट वी हैव अपर स्किन. अपर स्किन जो होती है लीफ की वो ट्रांसपेरेंट होती है. क्यों ट्रांसपेरेंट होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि सनलाइट को हर सेल तक पहुँच सनलाइट हर सेल तक पहुँचे, इसलिए लीफ की जो अपर स्किन होती है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट. अब जो ट्रांसपेरेंट स्किन होती है उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल. जो आपने आपको कीवर्ड्स में मैंने बताया था कि आज आप नया वर्ड सीखेंगे, दैट इज़ क्यूटिकल. क्यूटिकल अब कोई और चीज़ नहीं है, इट इज़ बेसिकली द अपर जो लेयर होती है या अपर स्किन होती है लीफ की, उसको जो वैक्स से कवरिंग होती है, जो वैक्स से कवरिंग होती है अपर स्किन की, वो क्या बन जाती है? क्यूटिकल. ओके. और ये वाटर को मतलब एक्सेस ऑफ वाटर लॉस जो होती है उससे प्रिवेंट करती है, मतलब जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर से ज़्यादा पानी बाहर ना निकले, प्रिवेंट करती है. ये जो नेक्स्ट आपके पास पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि थिक लेयर है सेल्स की. सेल्स की क्या है? थिक लेयर्स हैं. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. नेक्स्ट वी हैव, ये जो आपके पास आपको ये नज़र आ रहा है, मैंने रेड सर ये जो पॉइंटर आपको शो करा रही हूँ, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट. दे आर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल, जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. ये जो ग्रीन ग्रीन से ऐसे लाइंस आप शो आपको नज़र आ रही हैं, आपको मैं इससे वो हाईलाइट कर रही हूँ, बता रही हूँ, ये क्या है? दे आर क्लोरोप्लास्ट. ओके. नाउ वी हैव गार्ड सेल्स. ये जो ऐसे बीन टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, गार्ड सेल्स, मैंने आपको उसमें भी कीवर्ड्स में भी बताया था कि गार्ड सेल्स क्या है. गार्ड सेल्स आप नाम से ही जाहिर है, गार्ड मीन हिफाजत करना, प्रोटेक्शन का जो है फंक्शन परफॉर्म करना. बेसिकली ये लीफ को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि मतलब जब गैसेस ने आउट करना हो या इन करना हो तो ये एज अ गार्ड, एज अ लाइक सिक्योरिटी फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा अब कोई और चीज़ नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ होल. एक रास्ता है, एक सुराख है, एक होल है जो लीव में मौजूद होती है. अब एक होल हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टोमा. बट वी विल कॉल स्टोमा. अब बहुत सारे होल्स लीव के अंदर मौजूद हों तो दैट विल बी स्टोमेटा. ओके. अभी आपने क्या क्या पढ़ा है? वेन्स, अपर स्किन के अंदर क्यूटिकल्स की प्रेजेंस को आपने स्टडी किया है, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा है, नेक्स्ट गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ा है, और फिर लास्ट पे स्टोमेटा के बारे में आपने अपने पढ़ा है. सो नेक्स्ट आई हैव एन एक्टिविटी फॉर यू ऑल. आप लोग अब मैं आपको ये परफॉर्म करके बताऊँगी कि इसमें करना क्या है. आपको एक फिगर बताई मतलब दिखाई गई है, आपने कलर करना है, इसमें क्लोरोप्लास्ट की इनको इंडिकेट करके उसको ग्रीन कलर करना है, गार्ड सेल्स को रेड करना है, स्टोमेटा को येलो करना है, और वैक्सी क्यूटिकल को ब्लू कलर करना है. ओके.